मार्वल की हर मूवी में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इन मूवीज़ में कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो हमें नॉर्मल स्पीड में नहीं दिखती है या 0.25 स्पीड में ही दिखती है। तो ऐसे ही कुछ डिटेल्स आज आप इस वीडियो में जानोगे जो रियल फैंस ने भी मार्वल मूवी में मिस कर दिया है या फिर जो सीन आसानी से नहीं दिखते हैं। तो आइए देखते हैं। While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Number 1, Thor Ragnarok scene. तो हम सब ने थोर रैग्नारोक मूवी तो देखी ही है। थोर रैग्नारोक के ट्रेलर में दिखाया गया कि थोर और हेला किसी और जगह में लड़ रहे होते हैं और हेला वहाँ पे उसका थोड़ा तोड़ती है, लेकिन थोर रैग्नारोक मूवी में दिखाया गया कि हेला किसी खुले मैदान में थोर का थोड़ा तोड़ती है। उन दोनों सीन में एक बात साफ दिखाई दे रही थी, जो म्योनीर यानी थोर के हथौड़े का पीछे का हिस्सा है वो थोर रैग्नारोक में हवा में उड़ रहा था, लेकिन ट्रेलर में वो चीज़ एकदम नीचे थी जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि थोर रैग्नारोक मूवी में वो चीज़ पीछे को लहरा रही थी लेकिन उसके ट्रेलर में वो चीज़ एकदम नीचे थी, मतलब नीचे को बैंड हुई थी? तो इसका आंसर है थोर। थोर रैग्नारोक मूवी में हम ये साफ देख सकते हैं कि जब हेला ने थोर का हथौड़ा तोड़ा था तो थोर अपने हथौड़े को बुला भी रहे थे, पर मूवी के ट्रेलर में थोर एकदम शांत खड़े हुए थे। यानी कि फैंस को ऐसा दिखाने के लिए कि थोर अपने हथौड़े को सचमुच बुला रहे हैं, मूवी में ऐसा दिखाई देगा कि वो सचमुच हिल रहा है और ट्रेलर में वो नहीं हिला था। नंबर 2, आयरन मैन 2 सीन। तो आयरन मैन 2 के दौरान जब आयरन मैन और रूडी की लड़ाई होती है तो उस समय ये किसी को पता नहीं होता है कि ब्लैक विडो एक एजेंट ऑफ शील्ड है, लेकिन उस टाइम ब्लैक विडो ने एक पोस्ट बनाया जिससे हमें ये पता चल सके कि ब्लैक विडो एक एजेंट ऑफ शील्ड है। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं जब आयरन मैन और रूडी ऊपर से नीचे गिरे तो ब्लैक विडो ने कुछ ऐसा पोज बनाया, तो यानी कि ब्लैक विडो ने यहीं पे बता दिया था कि वो एजेंट ऑफ शील्ड है। नंबर 3, आयरन मैन 2 सीन। तो आयरन मैन 2 अकेली ऐसी मूवी है जिसमें टोनी स्टार्क का रियल नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखाई दिया था। जब इस फिल्म की शुरुआत होती है तो कुछ ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, आयरन मैन की फ़ोटो बनी है और उसके ऊपर लिखा है रॉब डाउन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो आयरन मैन की 2 मूवी में आयरन मैन का असली नाम भी आया था। नंबर 4, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम सीन। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एमजे ये पता करने में पूरी जान लगा देती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उसने तो उसकी आइडेंटिटी पहले भी देख ली थी। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब वो सब बस में बैठे हुए थे तो स्पाइडरमैन ने बोला था कि ब्रैड को एक ड्रोन से उड़ा दो, एडस को उसने ये कहा था, लेकिन जैसे ही ड्रोन आया तो एडस ने बोला कि हम उसे सीधा मार देंगे। फिर पीटर पार्कर ने बस के ऊपर छलांग मारी और उस ड्रोन को रोक लिया, लेकिन पीटर पार्कर ने सबको बोला कि बाहर देखो, बाहर कुछ माउंटेन गोट्स है, और उसी दौरान उसने वो छलांग मारी। लेकिन इस फोटो में आप ये साफ देख सकते हैं कि एमजे उसे साफ देख रही है। ये पीटर पार्कर नीचे की ओर आया तो उसे एमजे ने साफ देख लिया था, तो इसका मतलब कि एमजे को पीटर पार्कर की आइडेंटिटी इसी टाइम पता चल गई थी। नंबर 5, ब्रूस बैनर इन थोर रैग्नारोक सीन। तो थोर रैग्नारोक का वो सीन आपको याद होगा जब थोर को स्पेसशिप मिलती है और हालांकि भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे आ जाता है, फिर ब्लैक विडो की वो वीडियो क्लिप देख के वो फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है। ब्रूस बैनर देखता है कि वो इतनी घटिया जगह स्कार पहुँचा कैसे, तो तब वो अपने बारे में देखता है। तो हमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि एक टाइम ब्रूस बैनर और हालक दोनों का फेस सेम हो रहा था, और ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एवेंजर्स एंड गेम में ब्रूस बैनर को, ब्रूस और हालक को इकट्ठा करने का आइडिया यहीं से आया था। नंबर 6, तो तब थोर और हालक की थोर रैग्नारोक में फाइट चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा कम बंदों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। जब हालक ने अपने हथौड़े से थोर की तलवार को तोड़ा था तो तलवार टूटी नहीं थी, तलवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था, मतलब कि तलवार टेढ़ी हुई थी, वो टूटी नहीं थी। नंबर 7, स्पाइडरमैन 1 टोबी मैग्वायर सीन। तो अगर मैं आप सबसे कहूँ कि आप सब ने टोबी मैग्वायर के वेब शूटर्स को देखा है तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि उसके पास तो वेब शूटर्स ही नहीं हैं, लेकिन मैंने उन वेब शूटर्स को देखा है। अगर हम 0.25 स्पीड में देखें तो वो आपको साफ दिख जाएंगे। स्पाइडरमैन 1 की वो सीन जो गोब्लिन अटैक करता है और वो एमजे के ऊपर अटैक करता है और पीटर पार्कर एमजे को बचाता है और एक मैदान में ले आता है, तो उस टाइम जब उसने अपने हाथ को आगे किया तो इस फोटो को ध्यान से देखिए, तो ये इकलौता ऐसा सीन है जो स्पाइडरमैन टोबी मैग्वायर के वेब शूटर्स हमें दिखे थे या इकलौते सीन में ये विजिबल हुए थे। नंबर 8, एसगार्ड फैमिली सिंबल। ये मेरे कहने का मतलब है एसगार्ड का एक खानदानी निशान। तो एसगार्ड के इस खानदानी निशान को
हमने मार्वल की कई ज़्यादा फिल्म्स में देखा है। हमने इसे थोर और थोर रैगनरोक में देखा है। आपको याद होगा कि थोर रैगनरोक मूवी की शुरुआत में डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें ओडिन का पता बताते हैं, यानी थोर और लोकी को ओडिन का पता बताते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज थोर का एक बाल तोड़ते हैं और फिर वो उस बाल को तोड़ के कुछ ऐसी शेप देते हैं। शेप को ध्यान से देखिए, ये शेप है एस्गार्डियन लोगों का फैमिली निशान। ये निशान हमें एस्गार्ड के हर एक जगह में मिल जाएगा। जब हैला नीचे को जंप मारती है और अपनी आर्मी को जिंदा करना चाहती है, तो यहाँ पे भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो निशान साफ दिखाई दे रहा है। और थोर वन में भी ये निशान हमें दिखाई दिया था जब ओडिन ने म्योनिर पे मंत्र लगाया था कि जो इसे थोड़े के काबिल होगा और जो इसे उठा पाएगा उसमें थोर की शक्ति आ जाएगी, तब भी यही निशान था। तो यानी कि ये निशान एस्गार्ड का एक फैमिली निशान है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, मार्वल की कुछ डिटेल्स जो आम स्पीड में देखना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप नीचे कमेंट में बता देना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो इस बेल को भी ऑन कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और इस वीडियो को खुल के शेयर कर दे ताकि आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और कमेंट में अपने फेवरेट मार्वल हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और कमेंट में ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और ये जो स्क्रीन पे और वीडियोस दिख रही है इन्हें भी देख लेना, ये भी बहुत बेहतरीन है। सो वेरी वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।